मेवात की फिरोजपुर जिसका सीट तो एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ राजस्थान लगता है, राजस्थान ये राजधानी नहीं भरतपुर वाला राजस्थान, ये तो एक तो ये राजस्थान है। तो वहां से जो विधायक बन जाए नौजवान साथी हमारे बहुत ही संघर्षशील विधायक, ये भी 2830,000 वोट से 40,000 वोट से 40,000 वोट से ये जीत जाए। हमारे मोहन इंजीनियर विधायक जी हमारे बीच में, हमारे अम्बाला से हमारे विधायक जगबीर मल्लोर जी हमारे बीच में, हमारे गौरव संपत सिंह जी, प्रदीप हमारे भाई, बहुत संघर्षशील साथी प्रदीप बेनीवाल जी, प्रदीप बिश्नोई जी हमारी दादरी से, संघर्षशील साथी मनीषा साहिवान जी, राजेश जून जी, एलनाबाद कमेटी के जो अभी चेयरमैन के इलेक्शन हुए थे उसमें एलनाबाद कमेटी के, एलनाबाद हल्के में अभी चुनाव हुए नगर पालिका के, आपको पता सीधी वोट पड़ी और वहां से हमारे चेयरमैन जीते कांग्रेस पार्टी के राम सिंह सोलंकी जी, हमारे भूपेंद्र कास्तिया जी, जिला पार्षद भाई राम प्रसाद गढ़वाल जी, अभी अभी जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, इससे पहले आम आदमी पार्टी के आदमपुर के अध्यक्ष थे हमारे बहुत ही आदरणीय साथी बाबूलाल शर्मा जी, अनिल गिल जी, अनिल मान जी, सतेंद्र सारण जी, भूपेंद्र कास्मिया नाम ले लिया था शायद, राम सिंह सोलंकी जी, अभी अभी नगर पालिका एलनाबाद ने पूरी सरकार को आने के बाद वहां से एलनाबाद के नगर पालिका के चेयरमैन बने, क्योंकि ये भी एक बड़ी बड़ी जीत है, क्योंकि बीजेपी कहती थी कि भाई गांव में तो हमारा कुछ नहीं बचा लेकिन शहर में हम, तो शहरों में भी आप देख रहे हैं कि बीजेपी अब बैकफुट पर जा रही है। हमारे गांव से ये जो नाम सारे आए हैं, हमारे आदरणीय जगदीश सारण जी जिन्होंने पकड़ी बांधकर जिन्होंने स्वामी जो सम्मान किया उनका धन्यवाद करते हैं, राजेंद्र सरपंच जी, रविंदर सिंह सारण जी एक सरपंच, राजकुमार जी, राजकुमार सारण जी एक सरपंच, राजकुमार भांडी जी, भरत सिंह बेनीवाल जी, महावीर बेनीवाल जी, भरत सिंह बेनीवाल जी भी आए हैं क्या विधायक जी? अच्छा, महावीर बेनीवाल जी तो शाम चल रहे थे तो इसीलिए नाम लिखा हुआ था, कहीं नजर ना पड़ी हो, हालांकि भरत सिंह बेनीवाल जी ऐसे नहीं नजर ना पड़ी हो, वो दिख जाती है उनकी नजर पड़ जाती है उन पर, महावीर बेनीवाल जी, जागर बेनीवाल जी, ओम बेनीवाल जी, दिनुराम सारण जी, चंद्रमान सारण जी, विजय सिंह सारण जी, ईश्वर नंबरदार जी, बलवान नंबरदार जी, अजीत सारण जी, राय सारण जी, अशोक जांगड़ा जी, रमेश वाल्मीकि जी, राजीव वाल्मीकि जी, राजेश वाल्मीकि जी, अनिल वाल्मीकि जी, राजेंद्र वाल्मीकि जी, राजकुमार वाल्मीकि जी, विनय हरिजन जी, डॉक्टर इंदर जी, उग्रसेन हरिजन जी, कश्मीर चिंपी जी, अनूप चिंपी जी, विकास बारी जी, मसूदी सारण जी, रामपत सारण जी, अशोक सारण जी, रामपत सारण जी, पवन मलिक जी, आखिराम सारण जी, प्रमोद मलिक जी, नरेंद्र मलिक जी, फतेह सिंह मास्टर, संशय सारण, मुकेश सारण, अजमेर सारण, संदीप सारण, सज्जन डूडी, कश्मीर डूडी, दरिया सिंह सारण और सभी ये जो नाम लिख के आए थे उन तो सबके नाम मैंने लिए, और भी कोई अगर नाम ले गया हो किसी का कोई जो है, क्योंकि अपने घर की बात है, किसी का भी नाम ले गया हो, पूरे गांव की छूट है जितने मैं बोलूंगा, बीच में भी किसी का ध्यान आ जाए मेरे को टोक देना, मेरे को बता देना, मैं ले दूंगा, कोई बात नहीं, बता देना कि भाई ये नाम रह गया, ये भी नाम लेना, क्योंकि अपना पूरा गांव, बल्ला पूरा गांव, भाई सारा गांव हमारा अपना गांव है, पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, दूर तक जहां तक आवाज जा रही मेरी माता है, मेरी बहन है, आज अपने गाँव में पहुंचे, आपने मान सम्मान किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव के समय हम लोग यहाँ पे बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ऐसा चुनाव है आदमपुर चुनाव के लिए, आपकी मर्जी से चुनाव नहीं हुआ, किसी की राजनीति ने अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए पार्टी के दल बदल का फैसला किया, राज्यसभा में बीजेपी को वोट देने का किसी ने फैसला किया है एमएलए, उसकी वजह से ये चुनाव जनता पे थोपने का काम हुआ जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन चुनाव आ गया,
जब चुनाव आ जाता है बेमौसम की जैसे बारिश है, बेमौसमी चुनाव, जब बेमौसम का चुनाव आए तो उसका निर्णय जो आप लोग फैसला आप लोग उस फैसले का पूरा हरियाणा मायना ढूंढेगा। इस फैसले में दो फैसले छुपे हैं, पहला फैसला तो हरियाणा के है और दूसरा फैसला आनंद के। आज पूरा हरियाणा आपकी तरफ आज नजर की कृपया आपकी तरफ देख रहा है कि आप क्या फैसला लो, क्योंकि ये फैसला एक डेढ़ साल की सरकार बची हरियाणा में, बीजेपी जेजेपी की सरकार 8-9 साल से जो खट्टर दुष्यंत सरकार, पहले खट्टर सरकार थी फिर खट्टर दुष्यंत सरकार बनी, ये जो सरकार हरियाणा की सत्ता पे पिछले 8-9 साल से सरकार काबिज है, सरकार की क्या काम रहे ना नहीं रहे मुझसे ज्यादा आप जानते हो। एक ऐसी सरकार हरियाणा में बनी, आज इस सरकार के कार्यकाल में जो हरियाणा विकास में देश में नंबर एक था, कांग्रेस राज में जो प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति निवेश कृषि उत्पादकता में खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में बड़े बुजुर्गों की पेंशन में और गरीब की हितकारी नीतियों में चाहे 100 गज के प्लॉट का फैसला चाहे मकान की किस्त की बात, देश में सबसे आगे हरियाणा का नंबर आता था। आज 8-9 साल की खट्टर सरकार बीजेपी की सरकार की कार्यशैली के बाद वो हरियाणा आज बेरोजगारी में देश में नंबर एक पहुंच गया। बेरोजगारी में पहुंच गया हरियाणा के नौजवान के भविष्य को चौपट करके चुरा के भरा करके हरियाणा का नौजवान, ना तो निवेश हुआ, ना कोई इंडस्ट्री आई, ना कोई इंडस्ट्री औद्योगिक क्षेत्र में आया हरियाणा में कोई निजी निवेश, ना सरकारी रोजगार निकली, सरकारी नौकरियां बंद कर रहे हैं धीरे धीरे, और जो निकली भी वो एक के बाद एक भर्ती घोटालों के स्कैम पे के सिरे साल चढ़ गई, ना सरकारी रोजगार ना प्राइवेट रोजगार, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर एक, महंगाई में हरियाणा देश में नंबर एक सबसे ज्यादा वे, अगर डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर कहीं सबसे ज्यादा महंगा है देश में हरियाणा के अंदर, हर घर का बजट बिगड़ गया, अर्थव्यवस्था चौपट, गांव में कोई विकास नहीं, शहर में कोई विकास नहीं, कोई एक काम बता दे 8 साल में खट्टर सरकार जो आदमपुर में किया हो या हिसार में किया हो, कोई एक यूनिवर्सिटी लगाई हो, कोई एक थर्मल का कारखाना लगाया हो, कोई एक नया हाईवे 4 लेन बनवाया हो, कोई एक औद्योगिक क्षेत्र बनाया हो, 8 साल बहुत लंबा समय होता है, कोई एक कॉलेज बनवाया हो, कोई एक ITI बनवाई हो, कोई एक नया स्कूल बनवाया हो, 8 साल में कोई एक नया स्कूल भी नहीं बनाया। ऐसी सरकार जिन्होंने हरियाणा का हर वर्ग को सड़क पर लाने का काम किया, किसान आंदोलन में किसान सड़क पर आया, 750 जान कुर्बान कर दी देश के किसान में, सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा किसान को हुआ, तो हमारी महिलाओं को आशा बहन आशा वर्करों को आंगनवाड़ी को महिलाओं को सड़क पर आना पड़ा, गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट की स्कीम, मनरेगा की दिहाड़ी और अपने मकान की किस्त के लिए सड़क पर आना पड़ा, तो बच्चों को स्कूल अपने स्कूलों के लिए मास्टर टीचर को लाने के लिए स्कूलों को बचाने के लिए सड़क पर आना पड़ा, नौजवान को फौज में भर्ती के लिए सड़क पर, कोई वर्ग नहीं जो सड़क पर आया हो। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये जो खट्टर सरकार को आपने देख लिया 9 साल से 8-9 साल से, अब फैसला आपको करना है कि इनका लाइसेंस 5 साल का और लाइसेंस इनको देना है, इस सरकार को 5 साल और हरियाणा को जिसने बर्बाद कर दिया अर्थव्यवस्था, तो भाई 5 साल और लाइसेंस इनको दोगे या इस सरकार को बदलोगे, ये खट्टर सरकार लगनी है या एक खट्टर सरकार बदलनी, फैसला आपको करना है। मैं पूछना चाहता हूँ पूरे गांव से, राखोगे इंजन या बदलोगे इंजन, बताओ भाई बदलोगे कि बदलोगे, सरकार को बदलोगे इसी सरकार को रखना है, बताओ भाई बदलाने बदलाने बताओ, क्योंकि भाई तुम्हारी ऊपर हाथ खड़ा करके बताओ कौन खट्टर सरकार हो, देखो जो रखने में है वो अपने हाथ में भूल निकाल के भाई, और जो बदलने में वो आप खड़ा करके भाई कौन बदल रहे हैं, रखो जो खतरा खड़े करते हो भाई, मेरे घर को चार मिला रखे ना भाई, भाई दिगंबर से मोटा और बताने के लिए बुड्ढा साहब आएंगे इस गांव में 17 लाख रुपए विकास कार्य के लिए, उस समय गांव के माध्यम से, तो केवल ये गांव नहीं पूरे आदमपुर के किसी गांव में आप जाते जो अपनी सरकार की कांग्रेस पार्टी के विकास का भैया घूमता था, ये फैसला सबसे बड़ा एक बदल से दो नतीजे, हरियाणा में बदलाव होगा
एक बटन मुझे मन में दबेगा या कोई और बटन दबेगा तो हरियाणा में 5 साल का लाइसेंस खत्म सरकार का ही नहीं होगा। मगर अगर हाथ के पंजे से किसान का बटन दबेगा तो हरियाणा के अंदर बैठा होगा चौधरी बटन सिंह हिदानी का नेतृत्व में तो अपने पार्टी हरियाणा में दोबारा सरकार बनाने का काम करेगी। आजमपुर के अंदर आए ये पिछले बार की सरकार थोड़ी सी कसर रहेगी, 39 वोटों की कसर रहेगी, 2-4 सीट की कसर रहेगी। मतलब तो भी कह रहा है पिछली बार 75 पार का नारा था लेकिन हवा निकल गई थी इनकी, सारे मंत्री हार गए थे। सुभाष भराला से लेकर कप्तान अभिमन्यु तक, बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर वित्त मंत्री तक, मनीष ग्रोवर से लेकर और सारे मंत्री हार गए थे। लोग बदलना चाहते थे, लोगों ने तो 40 पर निपटा दिया था लेकिन 10 सीट ऐसी पार्टी की आ गई जेजेपी पार्टी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को कर देंगे जमुना पार, लेकिन उन्होंने लोगों ने तो कर दी थी बीजेपी को जमुना पार। वो जमुना पार से फिर बीजेपी को लेके आए, जमुना में खट्टर सरकार को मिलाया धुलाया और दोबारा से चंडीगढ़ में खट्टर सरकार को बनाने का हमने काम किया। लोगों का फैसला नहीं था, लोग तो बदलाव पहले चाहते थे लेकिन पिछली बार भी थे 5 साल से ही दुखी थे, अब तो और ज्यादा लोग दुखी हुए, बदलाव चाहते और इस बदलाव का बटन हाथ का निशान का बटन। बाकी जो कैंडिडेट खड़े हैं या तो बीजेपी खड़ी है या बीजेपी की बी टीम और सी टीम खड़ी है, कैसी भी पार्टी है जो राज्यसभा का इलेक्शन आता है तो बीजेपी को वोट देती है। नहीं तो पार्टी की बात कर रहा हूं, राष्ट्रपति का चुनाव आता है तो बीजेपी को वोट देती हूँ, लेकिन उसके बाद जब खट्टर सरकार जब कहती है राइट तो वो राइट, जब लेफ्ट तो वो लेफ्ट, जहां वोट डलवाते हैं वो डलवाते, लेकिन उसके बाद उनके कहने से उम्मीदवार देने का काम करते हैं। बड़ौदा में भी इन्हें लोग पार्टी ने बड़ौदा में भी बीजेपी के कहने से कैंडिडेट दिया था, बड़ौदा में इलेक्शन था, लोगों को समझ में आ गई बात, समझ में आ गई तो भालू विधायक बन गए, बड़े बहुमत से जीते थे बड़ौदा। आपको पता है उपचुनाव पीछे इलेक्शन हुआ था। यहाँ भी ऐसी पार्टियां जो बीजेपी की बी टीम बन के, आम आदमी पार्टी बीजेपी की सी टीम बन के, जब से आम आदमी पार्टी आई है निशाने पर बीजेपी नहीं रहती, उनके निशाने पर कांग्रेस पार्टी रहती है। उनका साथ रहती है, मैं रहता हूँ, हम इसलिए निशाने पर रहते हैं कि हम आपकी आवाज उठाते हैं, आपकी लड़ाई कर रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, सारे एक हो गए राज्यसभा इलेक्शन में, सारे एक हो गए, ढोल नगाड़े बजाकर बीजेपी ने, जेजेपी ने, अजय सिंह चौटाला ने, अभय सिंह चौटाला ने, रंजीत चौटाला ने और कुलदीप बिश्नोई ने, सबने मिलकर खट्टर साहब के कहने पर जब राज्यसभा में बीजेपी के हाथ का बीजेपी के कमल का बटन दबा दिया, जब ये सारे हो सकते हैं, सारी बेईमानता की तरफ हो सकती है तो सारे ईमान आजमपुर के ईमानदार लोग भी एक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये मैं आपसे कहता हूं। ये बदलाव जरूरी है, ये बदलाव इसलिए जरूरी है ताकि हरियाणा में दोबारा से विकास का पहिया घूमे, आपस में भाईचारे से, जिसका नुकसान कर दिया इन्होंने, आपस के भाईचारे से खुशहाली की तरफ हरियाणा आगे बढ़े। जैसे 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल के नेतृत्व में हरियाणा देश में नंबर एक क्यों था, फिर 10 साल में देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन हरियाणा की थी और इसीलिए हुड्डा साहब ने इस बात कही कि दोबारा से मौका मिला जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, दोबारा से दंगे की चोट पे और छुट्टी बोल के देश में दोबारा सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन 6,000 यानी कि एक घर में 12,000 बुढ़ापा पेंशन उसी दिन हरियाणा में बनने का काम करेंगे। गरीब आदमी को राहत मिले ताकि आज महंगाई से आज गरीब आदमी जो सिलेंडर 400 रुपए का हुआ, सिलेंडर 1,000 पार है कि मैं पूछता हूँ, आज हर चीज डीजल पेट्रोल घर की सब्जी कोई सब्जी ऐसी नहीं, दाल रोटी हर चीज पे GST टोटी लौकी भी 80 रुपए हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आज महंगाई में सबको तो गरीब आदमी को राहत देने के लिए उड्डा साहब ने जो अभी पीछे हिसार के अंदर मीटिंग थी तो दूसरी बात ये कही कि जैसे पिछली बार जब सरकार बनी थी तो 1600 करोड़ के किसान के गरीब आदमी के मजदूर के बिजली के बिलों को माफ करने का काम किया था, सरकार बन गई देश में पहला उदाहरण था। ऐसे ही इस बार सरकार बनेगी तो हर वर्ग हर उपभोक्ता बिना किसी शर्त बिना किसी कंडीशन और बिना किसी कार्ड और बिना हर वर्ग के हर उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली हर घर में मुफ्त देने का हर महीने का महंगाई। और आपने जो सारी स्कीम्स बन गई 100 वर्ष के प्लॉट की, हमारे 80 वर्ग के भाई या पेपर के भाई, शक्ति बिरादरी के गरीब परिवार जिनके लिए 100 वर्ष की प्लॉटों की स्कीम आई थी
हुड्डा साहब ने स्कीम लागू करके कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। इस सरकार ने बनते ही दूसरे महीने सर्कुलर निकाला खट्टर साहब ने, 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी, जिससे ना तो आगे किसी को एक 100 गज का प्लॉट मिला जिसको नहीं मिला था, कोई राजों को मिल गया था जो राजों पांचों परिवारों को नहीं मिला था, और ना ही जहां प्लॉट मिल गए थे उन कॉलोनियों में काम हुआ, उन कॉलोनी का विकास हुआ। इसीलिए आते ही अगर मौका मिलेगा उस स्कीम को दोबारा लागू करेंगे। हर ऐसी वर्ग के बैकवर्ड के छत्तीस बिरादरी के गरीब बीपीएल परिवारों हर परिवार को वंचित रह गया 100-100 गज के प्लॉट, हर परिवार को चाहे एक्वायर करके प्लॉट दिलवाने पड़े, हर परिवार को प्लॉट दिलवाने का काम करेंगे और उन कॉलोनीज को विकसित करने का काम करेंगे। तो विकास का नैया दोबारा ढूंढना चाहिए ताकि हरियाणा के दोबारा विकास में ऐसे किसान की बात है, किसान को समर्थन मूल्य पूरे समर्थन मूल्य पर खरीदारी हो, हमारे 10 साल से जरूरत नहीं पड़ी, कभी स्कूल के बच्चों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज किसान को आंदोलन करना पड़ा अपने समर्थन मूल्य के लिए, बाजरे का समर्थन मूल्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उससे ज्यादा आप जानते हो। तो आज ऐसी उसका फसल का भाव मिले, स्कूलों के लिए लड़ना ना पड़े, ऐसा विधायक हमने नहीं देखा, ऐसा सांसद हमने नहीं देखा। भाई उससे पहले रुकावट में मैंने उनको आवाज उठाते नहीं देखा। 4 बार गीता गुप्ता जी विधानसभा के सदस्य हैं, ये वामन जी ये विधायक हैं, 20 विधायक घूमने कांग्रेस पार्टी के, आप इसको कब उसको जाएंगे? बीजेपी वालों से पूछ लो, ना विधानसभा में कभी बोलते, ना संसद में कभी बोलते, ना लोगों के सुख दुख में शामिल रहते, ना आजमपुर के विकास के लिए प्रयास करते। बोलते नहीं, विधानसभा में नहीं जाता। ये देखो ये विधायक बोल रहे हैं, ये हमारे ममन विधायक हैं, मुर्गांव मेवाड़ से, कह रहे विधानसभा ही नहीं जाते, ना कभी डिमांड करता कि आजमपुर के लिए कुछ चाहिए मुझे, कह रहे ना कभी डिमांड करते। नहीं कभी, देखो बात ये है कोई उनका भी समर्थन हो सकता है, उनका गाँव टेलीकास्ट होता है लाइव टेलीकास्ट होता है विधानसभा से, उनके उनके कोई उनके समर्थक हो सकते हैं, उनके समर्थकों से हम कहना चाहते हैं लाइव टेलीकास्ट वीडियो की रिकॉर्डिंग आती है, आप उड़ीसा उनके वीडियो की रिकॉर्डिंग में एक कोई भाषण दिखा दो जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि आजमपुर में मुआवजा मिलना चाहिए किसान को, आजमपुर के स्कूल के अंदर टीचर आने चाहिए, आजमपुर के अंदर कोई सड़क बननी चाहिए, आजमपुर के अंदर कोई कॉलेज बनना चाहिए, एक विधानसभा में स्पीच दिखा दो। ये बता रहे ममन जी जो मेंबरशिप बचाने के लिए जो 6 महीने में एक बार बैलेंस एक बाहर रजिस्टर लिखा होता है, तो कहने का मतलब ऐसी क्या कार्यशैली,
बड़ा ताज्जुब ना, कभी आपकी ग्रांट आती है वो ग्रांट वापस सरकार के खजाने में जमा करा देते हैं, ग्रांट भी नहीं लगाते। लोकतंत्र में इस तरह की कार्यशैली का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में तो सुख दुख में 24 घंटे जो शामिल है ना, हल्के में रहते हल्के बोलो घर घर के पीछे पैसे जिस सरकार थी कोटे के पैसे वापस सरकार में भेज देते हैं। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भरत सिंह जी का भी देखो, आपको आपको पता है इलाहाबाद हल्का है भरत सिंह जी। अभी देखो पहले तो आदमपुर जिताओ, उसके बाद आने वाले समय में इलाहाबाद में भी आपको जाके वहाँ पे मदद करनी है भरत सिंह जी। आप हमारी वोट मांगे, हम आपकी वोट मांग लेते भरत सिंह जी पहले। तो कहने का मतलब ये है, तो कहने का मतलब ये की ये कैसे विधायक है कुलदीप बिश्नोई जी, और उसके बाद अपनी स्वार्थ में फैसले लेते हैं, लोगों के सुख दुख के लिए फैसले नहीं लेते। बीजेपी को वोट की जरूरत थी राज्यसभा इलेक्शन में, बीजेपी की कैसे तोड़ती है सांसद और विधायक पूरे देश जानता है। सरकारी एजेंसियों पर डर दिखाती है, भ्रष्टाचार के मुकदमों की फाइल दिखाती है, और वह बीजेपी ये सब जानते हैं, ये आपको और मैं। लेकिन उसे लोगों को क्या लेना देना है, मैं आप सबसे पूछता हूँ भाई। हरियाणा में तो बदलाव के लिए आपने हाथ खड़े करे, आदमपुर में भी बदलाव करोगे कि नहीं करोगे, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। अगर आदमपुर में बदलाव करोगे, ये मौका है, ये मौका है, थोड़े थोड़े कहीं को ज्यादा समझना, मौका है, ये मौका है। यहाँ से आप ताकत दो, यहाँ से बदलाव, आदमपुर से बदलाव, मौका है। बड़े तजुर्बे के साथ कह रहा हूँ, ये बदलाव होगा, एक क्रांति बदलाव होगा, क्योंकि ये बात बड़े तजुर्बे के साथ मैं कह रहा हूँ। ठीक दिशा में आपका चुनाव जा रहा है, हर रोज जिस रूप में आपका चुनाव हर रोज बढ़ रहा है, वो यही संकेत है कि भाई चुनाव आप जीतोगे, मगर तब जीतोगे जब आपका पूरा आशीर्वाद साथ के साथ साथ ये जो 10 दिन रह गए, इस 10 दिन में आप सबको ये जो जागरूकता है लोगों में, ये जागरूकता लाने में हमारा सहयोग करना पड़ेगा। तो भाई थोड़े से इलेक्शन में मेरे को अपने गांव से बहुत उम्मीद है, बदला गांव से मुझे बहुत उम्मीद है। मेरे को एक बात बताओ, जो विश्वास जिस उम्मीद के साथ मैं बदला गांव में आया हूँ, उस विश्वास पे आप पूरा उतरोगे कि नहीं उतरोगे, ये मैं आपसे पूछना है। और एक बात और कहूंगा, इनको बहुत देख लिया आपने, बहुत चांस दे दिया इनको, बहुत चांस दे दिया, एक मौका। देखो जयप्रकाश जी को तो आप दोगे दोगे, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, एक मौका आप अपने भाई को भी लेके देखो, ये एक मौका दीपेंद्र को भी लेके देखो। आप मैं भी इसमें एहसान मानूंगा, जैसे कहना मैं कह रहा हूँ, एक बटन है, दो बदलाव है, एक हरियाणा में, एक आदमपुर में। वोट भी दो जगह जाएंगी, जेपी के भी जाएगी, जयप्रकाश जी बहुत अच्छी तरीके से आपकी वकालत करेंगे विधानसभा के अंदर, मुझे विश्वास है, मैंने देखा है संसद में उनको आपकी बात उठाते देखा है, पर उनके भी जाएगी, मगर आपकी वोट जितेंद्र के भी जाएगी, मैं भी उसकी पूरी राय करूंगा। और मैं मेरे को भी एक मौका, मैंने भी एक मौका देखो 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 नहीं देखो मैंने बताओ, और मैं पूरी तरीके से आपका हमेशा मान सम्मान रख के मैं मेरा प्रयास रहेगा। मैं आप बोलोगे भजन नहीं दो मुझे, आप क्या बोलो और क्या केवल एक मिनट के लिए आप अपील करता हूँ, क्योंकि 10 मिनट बाद क्या हुए हमारे चार लोग मुझे, आप लेट हो गए तो लेट फीस के रूप में आप केवल 1 मिनट बोलो।